आज का ये जो धरना प्रदर्शन रहा आपको इंसानियत को लेकर के, तो आपको क्या लगता है कि जिस परिप्रेक्ष्य में आज के समय पर जितने भी तरीके से बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, जब उनको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, इतनी विभत्स घटना आखिर हो क्यों रही है? आज इनकाउंटर अगर हैदराबाद में होता है बलात्कारों का किया है, तमाम जो बलात्कारी हैं, 1.5 लाख केसेज है पूरे बलात्कारों के, 1.5 लाख लोगों को जनता जनता के हवाले करो या जनता के सामने लाके उसे फांसी दो, हमारी ये मांग है। और तभी हमारे देश के अंदर ये बलात्कार का जो घटना है अगर पूरा खत्म नहीं होगा तो कम से कम अपने पंजाबी कश्मीर को खत्म हुई। जिस तरीके से सिर्फ बेटियों को ही शिक्षा देने की बात करी जाती है कि वो ऐसे कपड़े ना पहने, ऐसे काम ना करें, लड़कों को कोई क्यों नहीं समझाता, अपने बेटों को क्यों नहीं समझाता है? शिक्षा लोगों की बहुत गलत है कि लड़कियां ही ऐसे कपड़ा पहने और सब लड़कों को भी होता है, क्योंकि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए पुरुष के पीछे जाते रहते हैं। हमारे देश के अंदर जितने भी देवी देवता हो, उसमें लक्ष्मी हो, चाहे हमारे ज्ञान की देवता हो, चाहे शक्ति दुर्गा हो, सभी हमारी महिलाएं और बहनें हैं। और जब हम भगवान महिलाओं को ही मानते हैं, शक्ति मानते हैं, इस तरह से उनको काम कर्म करने का जो कार्य करते हैं, जो दूसरे को सभी साजिश करते हैं, तो गलत काम। आपको क्या लगता है पहल कहाँ से होनी चाहिए, घर से या फिर सरकार से? घर से होगा, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उनके पास सरकार के पास पावर है, ऐसे है और सभी लोग उस तरफ भी भाग के उनको काम करना चाहिए, काम करने के लिए सेवक जो है उनको काम करना, अगर वो लाइव अगर सख्त हो घर के अंदर अगर कहीं कुछ कम हो तो पूरा हो सकता है, क्या वो संवैधानिक तरीके से भाई कार्य में अगर कहें तो नहीं है, लेकिन जनता की अगर मांग है, मैंने कहा वो है मान है वो सही, मैं उसका समर्थन करता हूँ। फिर मैंने कहा चाहे वो आसाराम, चाहे राम रहे, चाहे नित्यानंद हो, चाहे नहीं रहे, उनकी आसर बड़ी होनी चाहिए, उनको भी समझ में ला करके उनको धूप दिया जाए, उनको पैसे क्यों दिया जाए, कहीं ना कहीं किशन रखा किशन लोग भी जब चुनाव की कोई बात आती है, सरकार की बात आती है, वो संघ को वोट बोलते हैं, वो राज में वोट बोलते हैं, वो जब मोदी की बात आती है, वो जनता की बात आती है, वो दो साल पाँच साल दस साल जेलों में सड़ा दिया जाता है, वो पानी सही कोई संरक्षण नहीं करता, ये कहीं ना कहीं हमारे भविष्य में जो है होता तो बहुत अच्छा होता, जितना और कुछ होते मन है तो कहता हूँ जनता को ही सबक सिखाने का अधिकार देते हैं, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता कि असली मंडी में कोई इनकाउंटर किया गया है या वो फर्जी है, वो उस मामले में जो चार पकड़ा गया था उसके बाद ऐसी हालत में वो जनता के बीच में लाना चाहिए था, जनता सवाल करके पत्थर मारता और उसके बाद इनकाउंटर हो जाता। सर हैदराबाद के हैदराबाद के ही चीफ जस्टिस जो है उन्होंने इस एनकाउंटर को गलत साबित किया और उन्होंने कहा है कि ये फर्जी एनकाउंटर था, उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी पहले उनको साबित करने दीजिए, अभी ही पुलिस कमीशन भी जांच कर रही है, 60 करोड़ हर साल वो कटाती है, जांच करने पेपरों पर खर्च करती है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं, पैसे का जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है। मेरा सवाल को
काउंटर के जो भी वहां गलत है जो जवाबदेह बनते हैं उनके भी कानूनी कार्रवाई होती है, उनमें जो है काम होगा। लेकिन मैंने कहा जो वर्षों से 2-5 साल से चल रहा है उनको साबित हो गया है कहीं कि आसार हमने लोड किया काम फेर में लोड किया, अगर नहीं किया तो छोड़ दीजिए और अगर किया है तो उसको देर भी पा फास्ट ट्रैक मोड पे आप 24 घंटे के अंदर जब महाराष्ट्र में आप जो है आप 1 घंटे के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं लगा सकते हैं और आप जो है संडे को कानून में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट बैठ सकते हैं। ऐसे मामलों में जो जनता से जुड़ी हुई है आप क्यों नहीं बैठ करते लगा देते ऐसा क्यों नहीं होता कहीं ना कहीं ये जो है भेदभाव है भेदभाव खत्म। लेकिन सर ये कहा जा रहा है जो हैदराबाद में पुलिस ने रिक्रिएशन के लिए कुछ घटनास्थल पे ले गई थी कि जो है उन्हें सबूत जुटाने थे अभी उन पर दोष साबित नहीं हुआ था, फिर लोग किस बात की खुशी मना रहे हैं कि भाई उन्हें मार दिया, वो कसूरवार थे या नहीं थे। उन्होंने अपना जुडिशियल कन्फेशन दिया था पुलिस के सामने, उन्होंने कन्फेशन दिया था जो कन्फेशन है वो पुलिस के डर की वजह से दिया था। इन लोगों ने कन्फेशन किया है कि क्या उनको अभी तक पुलिस के डर की वजह से हो सकता है उन्होंने उस बात उस वक्त वो मान लिया हो डर की वजह से, लेकिन अदालत ने वो मान जरूर सकते हैं कोई बात को तो पुलिस के डर से बताएंगे, वो प्रोसीजर नहीं बता सकते ना किस प्रोसीजर में उन्होंने करा और उसे एविडेंस भी है जी सजा हमेशा कोर्ट देता है पुलिस नहीं देती है। जजेज जो है अगर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे जाके कर सकते हैं, सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब अदालत चुनाव के लिए लग सकती है वो मुझे रात में कोर्ट खुल सकती है, जनता के जो मामला है तो जनता को ज्यादा नहीं लोग अपने जाते हैं जितने लोग समूह हैं भूखे रहते हैं आंदोलन कर रहे हैं उनके हित को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके उसकी सजा क्यों नहीं हो सकती, ये मेरी कहना है। और जनता अगर फैसला देखिए दूसरे भी एक बताइए आपका सवाल था आप दोबारा दोहराएंगे सर। एक यहाँ पर एक यहाँ स्लोगन लिखा है आपने बलात्कारी इंसान नहीं हैवान है, तो किस रूप में आप देखते हैं इस सब्जेक्ट पे देखते हैं किस तरीके से देखते हैं इसके स्लोगन को? अच्छा हैवान ही है बलात्कार करते हैं क्यों सिर्फ औरतों को ही है कि अंदर बैठे आदमी भी अंदर बैठते हैं, हम लोग ये बोलते रहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कभी ये के लिए बोलते हैं कि बेटी को समझाओ और नहीं समझाया तो पढ़ लगाओ उसे, क्योंकि बेटी को समझा लड़कियाँ को सुधरे लड़कों को सुधरना चाहो वही बड़े होकर हमारे घर से ही हमारी परवरिश शुरू होती है, अगर घर में ही अगर ठीक ना हो ना तो फिर ये जो लोग हैं वो हैवान नहीं करते। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर माँ बाप सही शिक्षा देंगे सही संस्कार देंगे तो ऐसी चीजों को रोका जा सकता है? हाँ ये हमने देखा है निर्भया केस में उनकी माँ बाप एक्सेप्ट ही नहीं करे थे, उनका बाप मान ही नहीं रहे हमारे बच्चे के अंदर बुलाया था और मान भी गए थे उन्होंने वहाँ एक्चुअली माँ बड़ी बात पहुंची है, हमने देखा था वकील ने बाबा अपनी बेटी पर सवाल उठा रहे थे कि मेरी बेटी जान ले मेरी क्या रहा कि लड़की की गंदगी है उसके दिमाग की मेंटालिटी खराब है उसको समझना नहीं हमें उसको खराब करो मार डालो सर एनकाउंटर तो नहीं किया उसका। सुनने में आ रहा है दो चार लड़के थे और चार लड़कों में से जो रिक्रिएशन के लिए पुलिस वहाँ पे ले गई वो तो जो है अभी उन्होंने कहा कि भाई लड़कों ने हमला किया पुलिस पे, आपको लगता है कि यह एनकाउंटर बिल्कुल सही था? इस एनकाउंटर को जो फर्जी मान रहे हैं मैं उनकी मानसिकता पे सवाल उठाती हूँ, वो इसलिए उठाती हूँ कि ये हमारा हिंदुस्तान मुस्लिम को पालने पे यकीन रखता है जुर्म को खत्म करने पे नहीं, अगर ऐसा वो नहीं कहेंगे तो हमारे देश में जज की पोस्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, उनको अपनी अपना जो है पोस्ट बचानी है अपनी कुर्सी बचानी है, अदरवाइज निर्भया कांड जो है 9 सालों का पालते हुए आज तक वो जुर्म खत्म नहीं हुआ जिसको साबित कर चुकी हर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में साबित हो चुका हाई कोर्ट में साबित हो चुका बट उसको अभी तक सजा नहीं मिली है, जजेज यही चाहते हैं उनके आगे लाइन लगी रहे मुजरिम की लाइन लगी रहे अदालतें भरी रहे और उन डेट पे डेट डेट पे डेट चलती जाए, इसी एक तरफ वकीलों का भला होता है दूसरी तरफ जजेज का भला होता है, जनता का भला कहीं नहीं है, जनता का भला इसी तरह काउंटर में है और आज तक जैसे फैसले होते जाएंगे एक दिन ऐसा आएगा कि पब्लिक खुद एनकाउंटर करेगी पुलिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो हैदराबाद के चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के ये जो कहा है क्या इस बयान को आप कैसे देखेंगे? नहीं
भाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो भी एक मानव ही है और खास तौर पे एक पुरुष मान्यता जो कि हमारे देश में सुपीरियर मानी जाती है, एडमंड होते हैं वो लोग, इसकी जगह अगर फीमेल को चीफ जस्टिस कहती तो मैं शायद कमिट भी करती, मुझे उनके कहने से कोई दुख नहीं है, क्योंकि पुरुष चाहे किसी भी कुर्सी में बैठा हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई हो, लेकिन उसकी एक मानसिकता है पुरुष वाली, उस मानसिकता को छोड़ ही नहीं सकता, ये सिर्फ लेडीज ही जब तक आगे आएंगी तभी मानसिकता खत्म होगी। अब हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें न्याय करना है, ये जब भी होगा जब ये लेडीज आगे आएंगी तभी न्याय होगा, ऐसे नहीं होगा। मैडम जैसे जो इनकाउंटर किया गया वो इनकाउंटर आप जायज कह रही है, तो इस तरीके से तो जो है पुलिस जो है उसका भेजा इस्तेमाल भी करेगी। देखिए पुलिस को भेजा इस्तेमाल करने का हक भी कानून ही देगा, ये जजेस ही देते हैं और यही हमारे बैठे हुए नेता लोग देते हैं। नेता लोग चाहे तो एक रात में जजेस को सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो रात को 8 बजे कोर्ट लगती है, रात को 3 बजे कोर्ट लगती है, क्यों नहीं भैया कांड के लिए लेडीज के लिए कोर्ट क्यों नहीं लगती, इसमें क्यों इसको खींचा जाता है, इसको इतना लंबा किया जाता है, उस वक्त को नकल कर दिया जाता है। रेप एक बार नहीं होता, रेप बार बार होता है, हर उस वक्त होता है जब चैनल दिखाता है, हर उस दिमाग में होता है जो उस तस्वीरों को देखा जाता है। आपको यही नहीं मालूम है हैदराबाद कांड में जो लेडीज के साथ हुआ था उसके साइड में बहुत फिल्म के लिए साइड सिलेक्ट की गई है, यानी कि हर वो इंसान, हर एक वक्त जो उस रेप कांड से जुड़ा था वो हर दिमाग के तौर पर उसका रेप कर रहा था, उसको ये फील होती कि रेप के साथ कैसे हो, कोई उसके साथ दुख नहीं बता रहा था, सिर्फ लेडीज थी जिनकी आंखों में आंसू थे। इसलिए पुलिस प्रधान देश है, इसमें कभी औरतों को न्याय नहीं मिलेगा, न्याय उसी दिन मिलेगा जिस दिन औरतें आएंगी, हम जैसी औरतें न्याय करेंगी। एक दिन ऐसा आएगा एनकाउंटर पुलिस नहीं करेगी, एनकाउंटर गैग होगा लेडीज का, और मैं चाहती हूँ ये चीज बने आगे ताकि हम सबको न्याय मिले। हम कोई खिलौना नहीं है जिसका मन चाहे थोड़ी देर के लिए खेले और हमें तोड़ के फेंक दे, हमें जीने का हक क्यों नहीं है, हम भी तो इंसान है, हम भी तो जीना चाहते हैं, हमारा भी मन चाहता है कि हमारे को वो हाथ लगाए जो हमें टच ना करे। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन को जायज ठहराया है तो एक दिन ऐसा ना जाए रेप को भी जायज ठहरा जाए, इतना जल्दी डिलेड जस्टिस डिनाई होता जा रहा है। मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि एनकाउंटर सही रास्ता है या फिर पुरुषों की मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है? देखिए पुरुषों की मानसिकता में बदलाव तो बहुत ही मुश्किल है, हमारे देश को आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं, ये आजादी को जश्न बना के मानसिकता गिरती ही जा रही है हमारे देश की मानसिकता, देखिए मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं रह गई है। हाँ उम्मीद ये है कि हम जो है औरतों को लड़कियों को अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आगे खड़ा करें तभी हम लोगों के साथ न्याय होगा, अदरवाइज मुझे ना जजेस पे यकीन है ना मुझे पुलिस पे यकीन है, मुझे किसी भी यकीन नहीं। हो सकता है पुलिस ने भी अपने वाहवाही लूटने के लिए एनकाउंटर कर दिया हो, लेकिन पुलिस हर वक्त तैयार नहीं रहती, पुलिस अगर इसलिए सतर्क होती तो जब उसकी बहन ने कॉल किया था उसके बाद फौरन दौड़ी हुई जाती और उसको बचाती, जो पुलिस FIR करने में इतना टाइम लगा सकती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती है, एनकाउंटर को मैं भी कुछ थोड़ा जब देती हूँ, लेकिन चूंकि हमारी लेडीज के दिल में जो शंकाएं थी वो खत्म हुई है, हमें थोड़ा सा भरोसा पैदा हुआ है, एक उम्मीद के लिए हम लोग इस झूठ को भी सच मानने को तैयार है। बहुत बढ़िया, बात करिए महिलाओं को 60% दिया जाएगा और आप एक युवा भी हो तो क्या कहना चाहेंगे? पार्टी में क्या नजर आ रहा है ऐसे कि पार्टी ऐसी चीजें लेकर आएगी ANP? देखिए हमें सबको पता है कि पॉलिटिक्स में चढ़ेगा कि जो साफ करने के लिए उसका पड़ेगा, एक ह्यूमन राइट की भी चीज़ है जो पॉलिटिक्स में साफ पॉलिटिक्स को क्या आप मैसेज देना चाहिए अपनी पार्टी को? एजुकेशन बॉडी में हम